हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली है और आज मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं क्या, आप लोगों को बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मेरी जो सिस्टर है उसकी चाची सास के, मतलब उसकी चाची सास का गृह प्रवेश है, वो रामायण रखी हैं। तो वो तो कल ही मुझे बुलाई थी पर मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि नहीं जा पाई थी, कोई कारण था बच्चों के स्कूल का तो नहीं जा पाई थी। तो आज जा रही हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, छवि, रूपेश आदि के बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड अभी तैयार हो रहे हैं, बस वो आ जाएंगे तो हम निकलेंगे। ये देखिए मैंने चूड़ियाँ आसमानी कलर की डाली है, ये देखिए, क्योंकि ऑरेंज कलर की चूड़ी मेरे पास थी भी नहीं और मैंने मंगाया भी नहीं बाद में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज ना मैंने स्टिच किया है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं उनके घर, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि वहाँ का पूजा कैसा हो रहा है। रामायण का, रामायण तो शायद ख़त्म हो गया होगा और वही होगा, हवन वगैरह हो रहा होगा। तो अभी मैं सबको नाश्ता करा देती हूँ, फिर उसके बाद से हम निकलेंगे। हल्का फुल्का ही नाश्ता हम कर लेते हैं। और नाश्ते में मैंने बनाया रोटी, आलू टमाटर की सब्जी, भुजिया है, ग्रेवी वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। रुपेश पानी रख दो पापा को, अभी मैं हस्बैंड को नाश्ता लगा देती हूँ और खुद भी खा लूंगी। तो क्यों, अच्छा बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों का पेट भरा है क्योंकि वो लोग चाय रोटी खा लिए थे चाय से ही। तो मैं दिखाती हूँ आपको आलू की भुजिया, ये देखिए, और सादी रोटी है, मैंने घी वगैरह नहीं लगाया रोटी में। अब मैं निकाल लेती हूँ। रुपेश पानी दे दो पापा को। मम्मा मेरा बोतल खा रहे हैं। बोतल देखो ये घी होगा। मेरे लिए पानी ले आओ छवि। छवि मेरा सॉक्स होगा, देखो बैग में मेरे लिए। रेडी हो जाओ तुम लोग, बस निकलना है। एक ग्लास छवि, ग्लास हटा दो बेटा। तो सॉक्स छवि, ग्लास भी रख देना बेटा मेरा बैग। क्यों, गैस बना होगा तुमको, मीठा मीठा दर्द हो रहा है तो। तो फ्रेंड्स आइए खा लीजिए रोटी और आलू की भुजिया। तो ये पहला निवाला आप लोग के लिए। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड देखिए यहाँ पे खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे मत दिखाओ, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखा रही हूँ। तो खा लेते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं। तुम लोग खा लो एक रोटी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आज का जो दिन है वो है मंगलवार और तारीख जो है 12 तारीख है और सुबह के अभी हो रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सिस्टर के घर, हम बनारस में, हम तीन सिस्टर का शादी हुआ है तो क्षमा तो आती, उसको आपने देख ही लिया है। सबसे ज्यादा मेरे जो चौलेला तो पहले हो गई, तो उन भगाई से लेके सबके भूमिका
तो फ्रेंड्स तीसरी वाली सिस्टर जो है ना, उसको कैमरे के सामने आने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ उसको, और जब उसकी मर्ज़ी होगी तो वो आ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे सोहर हो गया है, रामायण जो है वो ख़त्म हो गया था, मुझे 11 तारीख को ही बुलाए थे बट मैं नहीं गई थी। तो अभी देखिए यहाँ पे आरती हो गई है, आरती भी हो गई है अभी, और अभी जो है जो वहाँ की नाउन होती है ना वो सभी को आरती दिखा देती हैं। और बहुत अच्छा लगा, सोहर हो रहा था, बहुत ही प्यारा सोहर था, मैंने थोड़ा सा लिया है, आप लोग प्लीज़ उसे पूरा फुल वॉच करिएगा। सॉन्ग तो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है घूंघट में है ना, यही मेरी सिस्टर है, बट वो सामने नहीं आती इसलिए मैं फोर्स बिल्कुल नहीं करती हूँ उसको। तो ये उसके चाचा चाची हैं, उनके घर का गृह प्रवेश था, जो रेड कलर की साड़ी पहनी है और ग्रीन कलर का टी शर्ट और वाइट कलर की धोती पहनी है, वो उसके चाचा ससुर हैं, उन्हीं का गृह प्रवेश है। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और जो मेरी सिस्टर है वो तैयार हो रही है, और रामायण ख़त्म हो गया, अभी सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, फिर शाम का जो होता है भोजन, फिर वो सब बोलिए ना, सत्यनारायण भगवान का कथा हो अभी होगा थोड़ी देर में, हम लोग जाएंगे अभी आए थोड़ा सा नाश्ता करने। तो देखिए ये चना घुघरी खा लीजिए आप नाश्ते में, अभी घुघरी और चाय वाय हम लोगों ने पी लिया है, बाकी अभी खाना बन रहा है पर अभी भूख नहीं है, अभी नहीं चाटी बनाना तो बना लो, अभी नहीं पियेंगे, अभी जीजा उसे पूछ लेंगे, तो वही बोल रही है कि दीदी तुम लोग चाय पियोगी, तो बोले कि नहीं अभी नहीं, जीजा लोग से पूछ लेते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी, और जिनके घर पे मैं आई हूँ ना उनका बहुत ही सुंदर घर है, मैं क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत उन्होंने घर बनवाया है। तो अभी वीडियो में आगे बने रहिएगा, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। वहाँ देखिए लाडो खेल रही है, लाडो, ये चाची का पीछे वाला रूम है, उन्हीं के रूम में हम लोग बैठे हैं। लाडो हाय बोलो, हाय बोल रही है लाडो, फ्रेंड्स हाय, फ्रेंड्स हाय। तो वीडियो में बने रहिएगा और अभी मैं सब लोग के साथ मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबके पैर में नाउन जो है वो रंग भर रही हैं। तो फ्रेंड्स उनका घर बाहर से देख लीजिए कैसा दिखता है, मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी मैं हल्का सा टूर भी आपको करा दूंगी इस घर का, और काफ़ी बड़ा इन्होंने मकान बनवाया था अपना, और बहुत ही भीड़ था, बहुत लोग को इन्होंने बुलाया था। तो अभी देखिए बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, ये फ्रंट है, और यहाँ पर एक चापाकल भी उन्होंने गड़वा दिया, अच्छा किया है। और अभी मैं सिस्टर के घर से आ रही हूँ ना, क्योंकि चाय पानी जो था उन्हीं के घर पर व्यवस्था था, अभी गृह प्रवेश हुआ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और वहाँ से हम लोग चाय पानी और थोड़ा रेस्ट भी हम लोग कर लिए थे। तो रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, और चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनका घर। तो फ्रेंड्स अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गई हूँ, और ये बड़ा सा बहुत बड़ा हॉल उन्होंने दिया था, वहाँ बेसिंग है, और ये फ्रंट का एरिया है, और छत पे भी चार कमरे, बहुत बड़े बड़े कमरे बनवाए थे, 20x20 का उनका एक रूम था, और नीचे चार, फर्स्ट फ्लोर पे चार, और जो सेकंड फ्लोर है उस पर 2 कमरे बैठे थे। और तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है आगे का रूम है इनका, और ये पूरा बरामदा है, लाडो खेल रही है, तो मैं थोड़ा सा इसका क्लिप ले ली थी कि लाडो को दिखा दूंगी आप सभी को। तो ये आगे का एक रूम है, और यहाँ देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और ये सबसे आगे का रूम है इनका, ये देखिए, और बहुत बड़ा बड़ा रूम था आप देख सकते हो, और यहाँ बालकनी है ये, और ये पूरा गांव यहाँ से दिखता है, इनके छत से तो सारा गांव दिख जाता है, और हाल तो बहुत ही बड़ा उन्होंने बनवाया था, और जैसे नीचे है ना वैसे ही ऊपर भी था। तो अभी मैं चल रही हूँ आपको लेकर पीछे वाले रूम में दिखाती हूँ, वहाँ पे हस्बैंड और बहनोई जो है ना, क्षमा के हस्बैंड, वो लोग तो सो रहे थे, जैसे लग रहा था कि मतलब कितना ज़्यादा थक गए ये लोग। तो कैसे हैं तुम्हारे कान्हा जी, कैसे हैं तुम्हारे कान्हा जी? अच्छे,
देखिए फ्रेंड्स, और ये कान्हा जी का गुणगान गा रही है। देखिए यहाँ पे आए हैं ना, तो इनको देख के बोल रही है कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे कान्हा जी भी पायल पहनते हैं, बांसुरी लेते हैं, बास्केट में घूमते हैं, दूध एक कटोरी पी जाते हैं। और क्या करते हैं तुम्हारे कान्हा जी? अच्छा सुनो फ्रेंड्स, इसके कान्हा जी पता करते हैं। हाय बोल दो। तो ये छोटी सी लड़की थी ना फ्रेंड्स, ये दिल्ली से आई थी, इसके घर भी कान्हा जी हैं। तो ये बता रही थी कि कान्हा जी मेरे घर कैसे करते हैं, कैसे दूध पी जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुग्गू और लाडो सब बैठे हुए थे, रुपेश भी था, छवि थे। तो थोड़ा सुग्गू को आप देखिए, वो बॉटल का दूध जो है ना वो ग्लास में डाल के फिर उसे ग्लास से पी रहा है, ये देखिए। तो सब हंस रहे थे इसका देख के, ये करतूत की क्या कर रहा है ये देखिए। और देखिए लाडो नीचे लेटी हुई है, तो यहाँ इनकी मस्ती चल रही थी। और चलिए अब मैं लेके आपको चलती हूँ बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। तो अभी मैं आ गई हूँ, यहाँ पे खाना वगैरह चल रहा था। तो मैं जब आ गई थी ना, तो मैं सोच रही थी मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ, फिर जब नीचे जाऊँगी तो देखा जाएगा। तो ये कान्हा जी को क्षमा पकड़ा दी बहनोई को, वो लेके नीचे चले जाएंगे और हम क्षमा खाना खा लेंगे और सुग्गू को भी लेके चले जाएंगे। तो ये इनका सबसे ऊपर वाले छत का बाथरूम है, बहुत खूबसूरत था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतने प्यार से वो लोग बात भी कर रहे थे, बिल्कुल जैसे कि महसूस ही नहीं हो रहा था कि मतलब हाँ ये उनके चाचा ससुर हैं, बिल्कुल अपने लग रहे थे। हमने खाना खा लिया है और यहाँ इतना तेज शोर हो रहा है ना कि मेरी आवाज़ आपको नहीं लग रही। क्षमा है, हाय लाडू है, हाय बोलो, हाय बोलो लाडू, टाटा। अभी देखिए शाम का फंक्शन होना बाकी है, ये देखिए। और इनका घर बहुत सुंदर है, सच बता। पर हम लोग कोई और साड़ी, पर हम लोग सोचे ना कि ऐसे हल्का हल्का होगा। क्षमा बोल रही प्रियंका दी का साड़ी पहन लेते करवा चौथ वाला, क्या हुआ पैर से घूम लाडो। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यही साड़ी एक ही पहन के चली आई थी, हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पे दोबारा साड़ी का जरूरत पड़ेगा, पर अब लग रहा है कि हमको एक साड़ी और लेके आना चाहिए। चलिए मैंने अभी पूजा दिखा, नीचे सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, इतना शोर हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोग से। और नीचे सत्यनारायण भगवान, ये देखिए आ जाओ, ये देखिए नहीं डर पाया, ये देखिए तो फ्रेंड्स अभी गृह प्रवेश पूजा होगा। तो सबसे छोटी कन्या का पूजा होता है, इसमें वो पहले प्रवेश करती है बाद में कोई और। तो छोटी कन्या लाडो थी, तो लाडो का पूजा हुआ, लाडो को फूल माला पहनाया गया, पहनाया नहीं गया, चढ़ाया गया। फिर उसके हाथ में लड्डू पकड़ाया गया, कुछ दक्षिणा उसको मिला। और सबसे पहले लाडो घर के अंदर गई, फिर बाकी लोग अंदर गए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग भी घर के अंदर चले जा रहे हैं। और लाडू तो पहले ही चली गई थी, लाडू ने ही पहला कदम रखा था घर में। तो अभी चाचा चाची जो हैं वो लोग भी बैठ जाएंगे पूजा पे, बस पूजा संपन्न होने वाली ही है, पूरी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं आप लोग से थोड़ा सा यहाँ का जो गीत होता है गांव का वो शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लग रहा था। सारी लेडीज़ जो है ना माइक में गा रही थी और क्षमा कान्हा जी को ली थी, और ये मैंने थोड़ा सा पीछे का दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें।
और फ्रेंड्स पूजा हो गई है गृह प्रवेश की, और मैंने सुगू का थोड़ा सा ले लीजिए क्योंकि वो चोरी चोरी लड्डू खा रहा था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं एक अच्छी सी दूसरी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।